हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक पॉइंटर के जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर करे थे, और इस लेक्चर में मैं आपको जो पॉइंटर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट में जिस तरह आते हैं मैं आपको क्या करवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह आते हैं इसके। ठीक है, सो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको गाइस, एक फंक्शन दिया हुआ है स्वैप, जिसमें आपके इंट ए और इंट बी दो वेरिएबल पास हैं। इस स्वैप का कोड लिखा है और क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, आपको दो वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू एक्सचेंज करनी है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉल स्वैप एक्स कोमा वाई, कॉल स्वैप एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, स्वैप एक्स कोमा वाई कैन नॉट बी यूज एट इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, फाइनल स्वैप एक्स कोमा वाई कैन नॉट बी यूज एज पैरामीटर्स आर पास बाय वैल्यू। भाई अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें आपको बताया था कि जब सेम एग्जाम्पल लिखा मैंने वहाँ पर भी यही, कि जब हम कॉल बाय वैल्यू से पैरामीटर को पास करते हैं तो आपका वो फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करता है, ना कि एक्चुअल पैरामीटर में। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर आपके एक्स एंड वाई है और फॉर्मल पैरामीटर ए कोमा बी, तो वो ए कोमा बी की स्वैपिंग कर देगा, एक्स कोमा वाई की नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, स्वैप एक्स कोमा वाई कैन नॉट बी यूज एज पैरामीटर आर पास बाय वैल्यू। ठीक, समझ आया आपको कि ये क्वेश्चन आपका 2004 गेट में आया हुआ है, आपको समझ भी आ रहा होगी थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक करेक्टर एरे दे रखा है जिसमें आपका गेट 2011 स्टोर है, मतलब देखो ऐसे होगा। ठीक, एक पॉइंटर दे दिया P जिसमें आपका C स्टोर है, C मतलब करेक्टर एरे C का जो बेस एड्रेस होगा, मतलब जो ये वाला एड्रेस होगा वो आपका P में स्टोर है। ठीक है ना, सपोज इसका एड्रेस मैंने आपका 100 मान लिया, इसका 101 102 3 104 105 106 107, तो भी P में आपका 100 स्टोर है। ठीक है, अब देखो यार, प्रिंट करनी है स्ट्रिंग, प्रिंट करनी है P प्लस पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ 1। अब देखो P प्लस, अगर मैं पी ऑफ 3 की बात करूं भाई, ये आपका पी ऑफ 3, पी ऑफ 3 की अगर आप एक बार बात करो तो पी ऑफ 0 में आपका ये हो गया एक तरह से, जब एड्रेस स्टोर है, ये पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 और ये पी ऑफ 3, तो आपको P ऑफ 3 में क्या हो गया कैपिटल E। ठीक है, और P ऑफ 1 में A। ठीक, आपको करना है इन दोनों की माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो इन दोनों की SI वैल्यू से माइनस होगा, सॉरी SI वैल्यू क्या है, E की होती है 69, A की 65। ठीक, तो जब आपने P प्लस 69 माइनस 65 करा तो ये क्या हो गया P प्लस 4। P प्लस 4 का क्या मतलब है, आपका करेक्टर एरे 100 है, अभी जब वो प्लस 4 होगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू, मैंने साइज क्या रखा हर एलिमेंट का 1 बाई 100, 101, 102 1 है, तो 100 प्लस 4 क्या हो गया 104, ये आपका 104 पे चला जाएगा, 104 मतलब यहाँ पे, और यहाँ से आपकी स्ट्रीम क्या स्टार्ट है 2011। ठीक, तो आपका इसका आंसर हो गया 2011। इसमें देखो क्या क्या एरे दिया हुआ है, 1 2 3 4 से, और एक पॉइंटर दिया हुआ है पी, पी इक्वल टू एस वन प्लस टू स्टार, पी इक्वल टू 0, और प्रिंट करनी है वैल्यू एस वन की,
इसके लिए आपके चार ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन के। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 2, बी है 1204 00, सी 1204 और डी 1034। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 में आया हुआ है। अब देखो इसने आपको एक एरे दे दिया जिसमें 1 2 3 4 स्टोर है। ये नंबर नहीं है क्योंकि ये आपका पूरा एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के दिया हुआ है, तो अलग अलग आपके ब्लॉक में स्टोर हो गया। ठीक है, आप एक पॉइंटर है पी जिसमें आपने S1+2 करा। S1+2 का क्या मतलब है कि अगर मैं इसका बेस एड्रेस 100 मानू और मैं सबका एलिमेंट का साइज 1 लिखता हूँ, तो इसका 101 102 103। S1+2 का क्या मतलब हो गया 100+2 × 1, क्योंकि 1 हर एलिमेंट का साइज है, तो 100+2 102। तो जो आपका पी है वो बेसिकली आपका इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, *P=0। मैंने क्या करा, *P मतलब जो इसकी वैल्यू है 3, इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया और बाद में मैंने ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवा। अब पूरी स्ट्रिंग हो क्या गई 1204। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं इसके लिए आपके पॉइंटर और एरे के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें क्वेश्चन आता है। अभी और क्वेश्चन भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये क्वेश्चन मैं आपका थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसमें क्या है, आपका ए एरे दे रखा है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर है। ठीक है, और आपका एक पॉइंटर एरे दे रखा पी जिसमें आपका a+3, a+4, a+1 और a+2 स्टोर है। ठीक है, आपको एक और पॉइंटर है ptr जिसमें आपका p है और एक आपका ptr++। ठीक है, और बाद में आपको प्रिंट करवाना है वैल्यू। ये एक तो ptr-p की और एक डबल स्टार पीटीआर की। अब देखते हैं भाई, देखो सब ध्यान से देखना, इसमें आपका जो पॉइंटर अर्थमेटिक वाला कंसेप्ट है वो क्या यूज होगा। देखो 10, 20, 30, 40, 50 सपोज आपकी ये वैल्यू क्या होगी, a(0), ये होगी a(1), a(2), a(3), a(4)। ठीक है, मतलब ये a मतलब ये आपका इसका रेफर कर रहा है a+3, ये वाले इसको और ये वाले इसको। ठीक है, मतलब इन पांचों पे इन अलग अलग का सबका एड्रेस स्टोर है। ठीक, अब क्या करा मैंने, इसका बेस एड्रेस एक पीटीआर में दे दिया। सपोज इसका एड्रेस मैंने 100 मान लिया, पीटीआर आपका आ गया 100। ठीक है, मैंने ptr++ करा, मतलब ptr आपका इस वाली इंडेक्स को छोड़ के आपका अब जो कि ये वाली इंडेक्स है इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां दो चीज बोली इसने, एक तो ptr-p और *ptr। सबसे पहले इसे देखते हैं, ptr क्या है आपका a+3। a+3 अगर देखा जाए तो एड्रेस स्टोर है ना, ये एड्रेस है कौन सा, ये वाला एड्रेस है। इस एड्रेस में वैल्यू क्या है 40, तो इसका आंसर तो 40 हो गया इतने पार्ट का। ठीक है, अब बचा ये वाला ptr-p। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप एक बात बताओ, ptr में, क्योंकि जब मैंने ptr++ कर दिया तो ptr में आपका ये वाला एड्रेस ओल्ड है, a+3 का जो एड्रेस है वो ओल्ड होगा, और P में क्या होल्ड है, P में होल्ड है आपका इसका बेस एड्रेस। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो P आपका इसको रेफर कर रहा है और जो PTR है वो इसको रेफर कर रहा है।
जब मैंने आपको बताया था कि जब हम दो पॉइंटर के माइनस करते हैं तो जितने उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है जितने एलिमेंट्स की हम वो आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मतलब इसके बाद तुरंत एक और मतलब एक ही एलिमेंट जस्ट एक एलिमेंट बाद आएंगे तो यहाँ पर आपका वन आ गया। जब हम दो पॉइंटर को माइनस करते हैं तो इंटीजर वैल्यू होती है और जब हम एक पॉइंटर में से इंटीजर को माइनस करते हैं तो आपका एक पॉइंटर आता है मतलब एड्रेस आएगा। तो इसका आंसर वन, इसका 40, तो इसका आंसर था आपका 140। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और जिससे आपको आइडिया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह होते हैं और जिससे आप एक और प्रैक्टिस कर सको। ये वाला क्वेश्चन गाइस इसी बार आया था, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, क्वेश्चन काफी बड़ा था ये, इसमें आपको एक पूरी मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखो करते क्या है, सबसे पहले देखो यहां पे आपके बाहर डबल स्टार है, फिर ए प्लस डबल स्टार ए प्लस टू प्लस थ्री। सबसे पहले मैं इस ए प्लस टू को देखता हूं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए में आपका बेस एड्रेस होल्ड है, बेस एड्रेस क्या है आपका 100। ठीक है, अब अगर मैं ए प्लस टू कर रहा हूं, अगर ए प्लस टू करा तो इसका क्या मतलब है, आपने 100 प्लस 2 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 4 लिया हुआ है, 4 100 प्लस 8 108, मतलब ये आपका ए प्लस 2 हो गया। ठीक है, इतना बता रहा हूं आपको। ठीक, अब देखो जब 108 हो गया तो मैं 108 वाली एड्रेस तो पहुंच गया, बाहर आपके डबल स्टार है, मैंने आपको बताया 2D एरे होगा तो हम डबल स्टार से उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं, जब डबल स्टार है तो जो ए प्लस टू की वैल्यू होगी मैं उस वैल्यू पे पहुंच गया। तो अगर डबल स्टार ए प्लस टू की बात करूं क्या मतलब हो गया, जो आपकी इस वैल्यू क्या है 3, मतलब इतने पार्ट की वैल्यू आपकी 3 हो गई। ठीक है, अब देखो तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखूं तो कैसा बन गया, ये स्टार स्टार ए प्लस इतना 3 आ गया, 3 प्लस 3। ठीक है, अब देखो अब क्योंकि ये सिंपल ए प्लस आई की फॉर्म बन गई, जब ए प्लस आई बन गया और आपको पता है मैट्रिक्स हमेशा आई जे की फॉर्म में होती है, मतलब आई रो और जे कॉलम, तो इसका मतलब ए प्लस थ्री का मतलब है मैं जब ए के बाद जो थर्ड रो होगी मैं उसमें पहुंच गया। ठीक है, मतलब ए क्या था आपका, ए का एड्रेस है 100। ठीक, अगर मैं थर्ड रो में पहुंचा तो 3 इंटू हर रो में कितने एलिमेंट है, हर रो में 5 एलिमेंट है। ठीक है, 5 एलिमेंट है और हर एलिमेंट का साइज कितना है 4 बाइट्स। आप कह सकते हो मैंने यहां पे जब ए प्लस टू था तो यहां पे ऐसा क्यों नहीं कर रहा था गाइस, यहां पे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि पहली बार तो यहां पे ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं था, दूसरी बार यहां पे डबल स्टार पहले था और फिर ए प्लस टू था तो सिंपल मैं उसी रो में ट्रेवल्स करा, जब ये पूरी चीज पहले सॉल्व हुई फिर ए प्लस आई की फॉर्म बन गई, अब जाके मैंने आई को आगे आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया 100 प्लस 3 इंटू 5 15, 15 फोर 60, मतलब 160। अब मैं देखा जाए तो आपका 160 वाली एड्रेस पा गया, 160 एड्रेस है कहां पर ये रहा। तो अगर आपका एक चीज देखो ध्यान से,
आपका इतना पार्ट क्रॉस ओवर हो गया और इसने आपको एड्रेस दिया 160 प्लस अभी 3 हो रहे 3 हम डैट को ऐड क्योंकि एड्रेस है एड्रेस को भी सिंपल प्लस करते नहीं है तो 3 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितना है 4 तो स्टार 160 प्लस 12 क्या हो गया डबल स्टार 172 मतलब 172 एड्रेस पे जो वैल्यू है क्या वैल्यू पड़ेगी 172 पे 19 आपकी 19 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन गाइस आपका इसी साल 2020 में आया था। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आते पर इसको दोबारा सॉल्व करें समझ आ जाएगा और या फिर वीडियो को दोबारा एक बार देखें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हुआ और कैसे इसका आंसर ही 19 यहाँ पे जाके आया। ठीक तो गाइस ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे काफी सारी वेबसाइट्स पे। ठीक इतने गाइस आप इन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।